रात के अभी बज रहे हैं 5:44, अब रात कह लो क्योंकि दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, वैसे मॉर्निंग हो गई है। ओ माय गॉड, वाइजर बिल्कुल हटा दिया है, वाइजर पे से पानी टपक टपक के मुँह पे आ रहा है। तो अभी यहाँ से निकलने का हो गया टाइम और थोड़ा सा लेट हो गए, करीब 5 बजने वाले हैं और हम रुके हैं होटल साईं द्वारका। साईं द्वारका है और ये जो होटल है ना, जो एक्चुअली मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में है, सेकंड गली में, फर्स्ट गली में। आप जब अंदर आओगे तो फर्स्ट गली में दिखेगा और काफ़ी अच्छा है होटल, चीप है, कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट भी नहीं है और सारा सामान यहाँ फैला हुआ है। युधिष्ठिर भाईसा, हरिंदर भैया और हमारे साहिल गेरा जी लगे हुए हैं सामान को लोड करने बाइक्स पर। तो ये है अपडेट और जल्दी निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, करीब 12 से 14 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। चलिए अब पैकिंग करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं। मैप लगा लिया है गोवा और गोवा यहाँ से दिखा रहा है 638 किलोमीटर, 12 घंटे 48 मिनट का सफ़र और हम जा रहे हैं संगमनेर होते हुए वाया संगमनेर गोवा। That's a great, क्या बात है, वाह, awesome. नज़ारे देखो आप देख ही लो जी नज़ारे, क्या बात है, थक नहीं रही हैं आँखें, पैसा वसूल रोड, ये सीधा जाएगा रोड गोवा और गोवा यहाँ से है 594 किलोमीटर, करीब 12 घंटे दिखा रहा है, वाह क्या बात है। वाह दैट्स ब्यूटीफुल, ये देखो पहाड़ काट के बनाया ये रोड हम जैसे राइडर्स के लिए। ओह माय गॉड, ये है परमात्मा के द्वारा बनाई हुई खूबसूरत कलाकृति और ये देख लो पहाड़, पहाड़ के ऊपर 2-3 कलर्स दिख रहे होंगे आपको, कैमरा भी शायद जस्टिफाई कर रहा होगा कि कितनी शानदार मतलब सीनरी सी दिख रही है। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना, आप देखेंगे ना वो पेंटिंग रंग बदल गई है और थोड़ा सा, ये एक्चुअली क्या है, सूरज जो डूब रहा है ना उसके कलर्स हैं। और बच्चे हो रहे हैं खुश, सारे बच्चे ही बच्चे भर रहे हैं पूरी गाड़ी में। अभी हम पुणे हाईवे पर रुक चुके हैं, बीच में भयंकर ट्रैफिक था, ट्रैफिक को क्रॉस करके निकल आए बाहर और साहिल हमारा हमारे से पहले ही वेट कर रहा था, HSR आ रहे हैं तो चाय मंगा लिए और चाय आ चुकी है हमारे हाथ में, कुल्लड़ वाली आई है और बड़ी, आई होप कि चाय भी अच्छी होगी। तो ये है सीन और ये हमारी लाडो। अभी यहाँ से करीब 500 किलोमीटर के अप्रोक्स हम तो जैसे तैसा कम कर रहे हैं तो अभी करीब हमारे साहिल भाई साहब हम तो जैसे जैसे किलोमीटर को ले रहे हैं क्या, कैसे भी कम हो मैं पूछ रहा हूँ साहिल से कितना किलोमीटर, 583 और है आपकी 507, ये भरवाएगा हमको, यूँ हो रही है। चलिए तो चाय का चुस्की का आनंद लेते हुए हम यहाँ से निकलते हैं, हरिंदर भाई साहब का वेट कर रहे हैं, हरिंदर भाई साहब के पते नहीं उनको चाय पिलाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। यही थोड़ा सा अपडेट था।
हम हरिंदर भाई साहब का वेट कर रहे थे, लेकिन हरिंदर भाई साहब की लोकेशन पता चली वो करीब हमसे 20-22 किलोमीटर आगे हैं और हम उनका वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। और अब कोई इशू नहीं है, उनको कह दिया आप रुकिए और आप हमारे लिए चाय बनवाइए, हम दोबारा चाय पियेंगे आपकी मोहब्बत की। शानदार जगह भी बहुत अच्छी थी और नेचर वाइज लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमको, सब बहुत हेल्पिंग नेचर के, और कहाँ से आ रहे हो भैया, कैसे क्या, सब बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। राइड में मज़ा आ रहा है, लोगों से मिलने में मज़ा आ रहा है, रोड पे बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, चाय पीने में मज़ा आ रहा है, आपको वीडियो दिखाने में मज़ा आ रहा है, मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, और चाहिए क्या बताओ यार, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। GoPro की बैटरी हो गई थी ख़त्म, बैटरी चेंज कर ली है, 2 मिनट को बाइक को भी रेस्ट दे दिया क्योंकि बेचारी रेगुलर चल रही है हमारी लाडो, और इस वजह से दोनों काम हो गए। फिर दोबारा सफ़र जारी, ट्रैफिक की भरमार, गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, जिधर देखो गाड़ी गाड़ी गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, चलने दो, ये भी एक अपने आप में अनुभव होता है। आप हर तरीके से हर जगह पर बाइक चलाना सीख लेते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज नहीं तो बहुत से लोग तो ट्रैफिक देख के घबरा जाते हैं कि क्या आफत लग गई। शकीरा जी, शकीरा। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं आपके सामने बन सकें दोबारा, और अभी गोवा है करीब 6 घंटे दूर, अभी हमको चलना है करीब 382 किलोमीटर, और करीब 8 बजे से पहले हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो थोड़ा सा कैमरे का एंगल और सेट कर लेता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:38 हो रहा है टाइम, 8 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं, तो छोटा मोटा कुछ खाने के लिए मंगा लिया है, आमलेट वामलेट मंगा लिए हैं, भुजी भुजी मंगा ली है, चाय पी लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं और पूरी रात हमें आज रोड पे ही निकालनी है, बात ये है। तो चलिए यहाँ से फिर थोड़ा बहुत खा के निकलते हैं, भुजी और पाव है कॉम्बिनेशन। ग्रैंड पिट्स स्टॉप का हम पंप को यूज़ कर रहे हैं, हमने इसको मनाली राइड पे भी यूज़ किया था, अब फिर यूज़ कर रहे हैं और इसी से हवा भर रहे हैं, और अपनी हवा भर रहे हैं तो टायर में अगर माइनर पंचर हुआ तो हवा भरने पर चल जाएगा, क्योंकि टायर में करीब 3 बजे के आसपास पंचर हो चुका है, आस पास तो कोई है नहीं, तो हवा भर के जितना पॉसिबल होगा उतना आगे ले जाएंगे और फिर वहाँ पर इसका पंचर जोड़ेंगे। और ये मौसम भी देखना बाकी रह गया था, और भयंकर कोहरा है यहाँ पे, अब 100% आराम से चलेंगे हम, तो साहिल आगे जा चुका है, पंचर की दुकान मुश्किल मिलेगी क्योंकि इस समय कोहरा भी है भयंकर और रात का टाइम है और विजिबिलिटी बहुत कम, लेकिन इस राइड में इस चीज़ का भी हम आनंद उठा रहे हैं, स्पीड बिल्कुल नहीं है, बहुत ध्यान से तसल्ली से आराम से चला रहे हैं, और जैसा आप देख रहे होंगे विंडशील्ड पर भी ओस जमा हो गई है। कोहरा, और वाइज़र खोलना पड़ गया हेलमेट का क्योंकि वाइज़र पे जमने लग गया पानी। तो अभी हम 2 बार अभी इस रास्ते पर रुक चुके हैं और अभी आप देख रहे होंगे मौसम कितना सुहावना शानदार हो चुका है, फॉग ही फॉग है और इतना भयंकर फॉग है इस समय के 0 विजिबिलिटी है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और गाड़ी की स्पीड अराउंड 40-50 हो रही है, सबसे आगे हमारे साहिल भाई साहब चल रहे हैं, हमारे कप्तान साहब, उसके बाद हमारे हरेंद्र भाई साहब और फिर युधिष्ठिर भाई साहब और फिर मैं, और इंटरकॉम पे मेरे साथ युधिष्ठिर भाई साहब कनेक्टेड हैं तो वो थोड़ा सा गाइड करते चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इस मौसम को देखकर मैं यही कह सकता हूँ कि आपको हर परिस्थिति में इस तरीके के मौसम में अगर आप चल रहे हैं तो आपको इन परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए, और यही आपको एक मजबूत इंसान बनाता है। करीब 196 किलोमीटर हमें जाना है और 10 बजे तक का टाइम ये दिखा रहा है, नेशनल हाईवे नंबर 48 पर हैं हम इस समय। ओह क्या मौसम है, आप देख सकते हो चारों तरफ फॉग ही फॉग है, वाइज़र बिल्कुल हटा दिया है, वाइज़र पे से पानी टपक टपक के मुँह पे आ रहा है,
विंडशील्ड है, विंडशील्ड आप देख ही रहे हैं, मेरी विंडशील्ड बिल्कुल पानी से सराबोर हो चुकी है। मोबाइल खुला हुआ है, देखते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि विंडशील्ड पे आ रहा है सीधा फॉग, तो मोबाइल पर नहीं जाएगा। और दूसरा मोबाइल मेरा अंदर है पॉकेट में, तो अभी नुकसान का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। और GoPro में तो थोड़ा सा इतना तो चलता था है कि GoPro ख़राब नहीं होता है, बरसात का पानी नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर ऐसा लगेगा कि ज़्यादा देर तक फॉग है तो उसको बंद करके रख देंगे।